जय महाकाल। महादेव जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। भोलेनाथ आपको सौभाग्य दे, आपके भाग्य को बढ़ाएं, आपका कल्याण हो, आपके सारे दुख बाधा दूर हों। तुला राशि वाले, सितंबर का महीना, दूसरा सप्ताह, 8 से 14। तुला राशि वाले, राशिफल जानने से पहले चलिए हम ग्रहों की दशा को देखते हैं। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में गोचर कर रहा है? तो तुला राशि वाले, केतु शनि के साथ आपके थर्ड हाउस यानी पराक्रम के भाव में गोचर कर रहा है। शनि का केतु के साथ होना आपके पराक्रम को बढ़ा रहा है। बुध का राशि परिवर्तन 10 सितंबर को होने जा रहा है। अभी बुध आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जो आपका लाभ का भाव होता है। 10 सितंबर को बुध राशि परिवर्तन कर आपके द्वादश भाव में जाएंगे, जो व्यय और हानि का भाव होता है। तुला राशि वाले, राहु आपके 9th हाउस यानी आपके भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन 9 सितंबर को होने जा रहा है। अभी शुक्र आपके 11th भाव में गोचर कर रहे हैं। 9 सितंबर के बाद शुक्र आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। मंगल का 11th हाउस में गोचर बहुत शुभ फल लेकर आ रहा है। गुरु आपके 2nd हाउस यानी धन संपत्ति के घर में गोचर कर रहे हैं। तो ये थी ग्रहों का गोचर तुला राशि वालों की कुंडली में। तो तुला राशि वाले, शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में हलचल पैदा करेगा। आप भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। इसी बीच आपको कोई अच्छी खुशखबरी भी मिल सकती है, जिससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगा और आप अपनी स्थिति में सुधार देखेंगे। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन थोड़ा धन को खर्च कराएगा, पर आपको सुखद एहसास भी होगा। इस दौरान आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। तुला राशि वाले, शनि, शुक्र और गुरु आपके लिए शुभ फल लेकर आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा अपना पराक्रम दिखाएं, क्योंकि शनि और केतु आपके पराक्रम भाव में बैठा है, जो आपको तेजस्वी बना रहा है। अगर आप थोड़ा पराक्रम दिखाएं, अपने ताकत को दिखाएं, अपने हिम्मत को दिखाएं, तो आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होगा। लेकिन अगर आप आलस करेंगे, अपने ताकत को नहीं पहचानेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो तुला राशि वाले, अपने जीवन के बाधा को हटाने के लिए आप मेहनत से, हिम्मत से, परिश्रम से अपनी नई पहचान बनाएं। तुला राशि वाले, आपका लव लाइफ बहुत सुंदर होने जा रहा है। सितंबर का दूसरा सप्ताह आपके लव लाइफ में शुभ संयोग बना रहा है। जैसे जैसे दिन बीतेगा, आपका प्यार वैसे वैसे और ज़्यादा रोमांटिक होगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते मधुर होंगे। जो तुला राशि के जातक नौकरी का तलाश कर रहे हैं, उनके लिए नई नौकरी का चांस बन रहा है। आप प्रयास करेंगे तभी सफलता पाएंगे। शुक्र का 12th भाव में जाना, द्वादश का शुक्र बहुत अच्छा परिणाम देता है, साथ में मित्र ग्रह बुध। शुक्र और बुध की ताकत आपको सुख भोगने वाला बनाएगा। महिलाओं से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो तुला राशि के जातक, शुक्र का 12th भाव में राजयोग कारक माना गया है।
अगर आपकी कुंडली के 12वें भाव में शुक्र मजबूत पोजीशन में है तो आपके भाग्य का उदय होगा, आपको उन्नति मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। 12वें भाव का सुख बहुत शुभ फल देने वाला होता है। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन आपके लिए एक अच्छा संयोग लेकर आया है, आप इस समय का भरपूर लाभ उठाएं। कोई भी काम मेहनत से करें, हिम्मत से करें, देखेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो तुला राशि वाले, 8 सितंबर से 14 सितंबर आपके जीवन का एक अच्छा समय आने वाला है, बड़ी खुशखबरी आपको मिलेगी, पर थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी, क्योंकि मंगल आपके 11th हाउस में है और गुरु आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहा है। कभी कभी गुरु और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह होते हैं। अगर आप अपने जीवन में थोड़ा भी निराशा का भाव उत्पन्न करेंगे तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए तुला राशि वाले, आप पॉजिटिव वे में मेहनत के साथ काम करें, नौकरी भी मिलेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, पराक्रम की भी वृद्धि होगी, धन का भी लाभ होगा। मन चंचल रहेगा पर आप शत्रु को परास्त करेंगे और आपके भाग्य का उदय होगा। तुला राशि वालों, 8 से 14 सितंबर आपके लिए शुभ फलदायी होगा। हमारे राशिफल कार्यक्रम को रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। हम आपका राशिफल रोजाना लेकर आते हैं और आप अपना राशिफल देखना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।